गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है कि अभी फिलहाल आज तो है आई थिंक 8 जुलाई है आज, और हाँ 8 जुलाई है। और बाकी टीशा और मैं तो अभी भी जस्ट स्कूल से आए हैं, अभी हमने ड्रेस भी नहीं उतारी है। और देखो मैं आइसक्रीम खाता हुआ आया था, टीशा खा रही गोला। तो गाइस मतलब यार टीशा गोला खा रही है, मैं आइसक्रीम खाता हुआ आया था। मेरी आइसक्रीम घर है पर मैंने तो भारी फेंक दिया था। और यहाँ पर खाना चल रहा है अभी, क्या बने हैं पुलाव के साथ गोला, कौन खाता है भाई हम ये ना इन्वेंट कर दिया। ओ शिट, मम्मी जी कह रही लवी जग जाएगी, लवी सो रही है, जग गई, चलो सोने दो। बाकी यहाँ पर सीरियल चल रहा है मम्मी जी का तो मस्त, अब मैं ले लूँगा, अब मैं टीवी देखूँगा आराम से। तो कैसे यार काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है मुझे तो चलो भाई साहब अभी फटाफट से नहाकर आते हैं और नहाने के बाद आपसे। क्यों चिढ़ रहे हो बेटा? उसे इसलिए चिढ़ हो रही है क्योंकि मैं आवाज़ कर रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ वो सो रही है। और बाकी एसी चला लिया तो थोड़ा सा पसीना सुखाते हैं, उसके बाद फिर नहा कर आते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी नहा धोकर तो रेडी हो गए और बाकी आप देख सकते हो एकदम मस्त तिलक विलक लगा कर और पूरा बॉडी पर अंदर पाउडर वाउडर लगा लिया मैंने यहाँ पर और सब जगह पर गले वगैरह पर, तो एकदम ठंडा ठंडा हो रहा है। बाकी एसी ने भी रूम ठंडा कर दिया है और अभी बज रहे हैं दिन के 2:45। यहाँ पर मम्मा लेटी हुई है, मम्मा पुला मुँह क्यों छुपा रहे हो आप, इतने दिनों से तो व्लॉग में आते हो, अच्छा फ्लैश से छुपा रहे हो। और यहाँ पर लवी भी जग चुकी है। और अम्मा जी क्या बनाया आज? पुलाव। और यहाँ पर इनका सीरियल चल रहा है, पालक आलू की सब्जी। तो चलो भाई खाना खाते हैं अब। रॉकी को देखो, और बाहर से सारे गेट वेट लगा कर तभी बैठते हैं भाई, अंदर ऐसा नहीं है कि बाहर से खुल रहे हो, बिकॉज भाई बाहर से भी सेफ्टी थोड़ी ज़रूरी रहनी चाहिए ना। बाहर से सारे गेट लग रहे हैं और भाई लाइट जलाओ पहले, तो मैं आता हूँ ना तो सारी लाइट जलाता हूँ। ये वाला गेट नहीं लग रहा, ये वाला गेट लगा दिया और बाकी सब लग रहे हैं। बाकी तो वो वाला मैंने इसलिए खोल रखा है क्योंकि ये जो डोर है ना ये थोड़ा एयर प्रूफ है, साउंड प्रूफ है, तो इसके बाहर से फिर साउंड नहीं आता पूरा लगाने के बाद, तो थोड़ा सा खुल रहा है जिससे कि साउंड आता रहेगा। और बाकी इस वाले की तो कुंडी लगी रही है। चलो भाई अब अंदर बैठते हैं। तो अभी गाइस मुझे भूख तो है नहीं तो मैं खाना तो नहीं खा रहा, अब अंदर बैठते थोड़ी देर बॉडी ठंडी करते हैं। चलो थोड़ी देर बैठते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं, मैं भी सीरियल देखूंगा भाई बैठ के, मज़े आता सीरियल देखने में। तो अभी यार लवी बर्फ खा रही थी तो वो रोने लगी, मैंने बर्फ कान पे जोर से मारा था ना। कहाँ पे? कान पे। मैंने नहीं मारा। और क्या सच में नहीं मारा। हाँ। दीदी। दीदी। क्या जूता खाएगा? जूता खाएगा, रो रही है देखो मुंह फाड़ फाड़ के। हमारी कैमरा में बताओ। तो अभी गाइस मम्मी जी तो लवी का वर्क करा रही हैं और बाकी आज लवी को कहाँ से मिला था पता नहीं, यहीं से मिला था शायद इसी पेज से। अब ये वाला पेज और रह गया है, फिर लवी क्या करेगी? लवी चलो यहाँ से शुरू कर। क्यों लवी? फिर मम्मी को बैट और बॉल सिखाऊंगा। मम्मी को सिखाएगी, मम्मी को सिखाएगी ये भाई। फिर बिल्ली सिखाऊंगा, फिर एप्पल सिखाऊंगा। मम्मी जी को आता है सच्ची? मम्मी जी को नहीं आता? नहीं आता मम्मी जी को, नहीं आता। लवी आई साइड वीक हो जाएगी। हाँ नहीं इतने दूर से ही करा करो, आई साइड वीक हो जाएगी वरना। बहुत तेज हो रहा है, कह रही बाढ़ में जान दो आई साइड को भाई साइड को, ऊपर होके कर लवी भाड़ा। चल तू कर ले भाई, कैसे करना है तुझे। लवी का पूरा होमवर्क लगभग होने ही वाला है, बस अब लवी के ये रह गए एप्पल बैट और बैट हैं, और अभी इंग्लिश का भी रह गया मम्मा, मैथ का सारा ही रह गया भाई। मैथ में मिला, मैथ में नहीं मिला, जल्दी जल्दी कर अभी। तो चलो गाइस तब तक हम देख कर आते हैं आज खाने में क्या, वैसे तो पुलाव बने हैं अब खाते हैं पुलाव। तो गाइस ये देखो टीशा की लापरवाही, मतलब टीशा आई थी कुकर खुला ही छोड़ गई, अब पुलाव खाते हैं भाई। चमचा कहाँ है? चमचा ये रहा, चलो पुलाव खाते हैं, इसी प्लेट में ले लेता हूँ यहाँ पर रखी है जो। तो अभी ये सीन कुछ ऐसा है कि अभी फिलहाल टीशा लवी तो जा चुके हैं ट्यूशन और बाकी अभी फिलहाल मैं भी पढ़ने बैठ गया हूँ
और ये देखो 4:45 बज रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया कि दिन एकदम ऐसे पलक झपकाते झपकाते कट जाता है भाई, पता ही नहीं चलती। बट एसी अभी चल रहा है, थोड़ी देर बाद बंद कर देंगे। अभी तो मम्मी सो रही हैं और मम्मी सो रही थी, मैं बोर हो रहा था, तो मैंने कहा मोबाइल देखने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कल की व्लॉग में बताया कि मैं तो अपना भाई ज़्यादा से ज़्यादा फ्री टाइम स्पेंड करता हूँ पढ़ने में, और आपसे भी मैं कहता हूँ कि कभी भी टाइम वेस्ट मत करो। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई, टाइम कभी चला जाता है तो लौट कर नहीं आता है भाई लाइफ में। मतलब इस चीज़ को समझ लोगे ना तो लाइफ सेट है बिल्कुल, अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो। बट मतलब एक सिंपल सा मोटिव है मेरे कहने का, आप बुरा मत मानना। और इस बात को मैं दोबारा आज भी कह रहा हूँ कि बस अपनी जो टाइम है उसको फालतू कामों से अच्छा जो चीज़ करने की हो ना उस चीज़ में ज़्यादा स्पेंड करो तो काफ़ी सही रहता है। बाकी अभी मैंने ये है ना मेरे हॉलीडे होमवर्क का ये एक पेज है फाइल का, ये फर्स्ट पेज है, तो फर्स्ट पेज पर मैंने ये तो इसके अंदर तो मैंने अपना इंट्रो लिखूंगा और इस साइड पर कुछ भी डेकोरेशन कर दूंगा। अभी तो बिल्कुल खाली है, जस्ट अभी बैठकर बनाया है मैंने, ये पेंसिल बॉक्स रखा है, मोबाइल में से ही बना रहा हूं। बट गाइस एक सीन हो गया है कि लवी जब गई थी ना तो भाई ये चीज़ तोड़ गई। ये देखो इसकी जो फाइल के ऊपर जो प्लास्टिक की होती है ना, जिससे ये चीज़ लगाते हैं इसमें और फिर ऐसे करके प्लास्टिक से दबा देते हैं, तो भाई ये चीज़ तोड़ गई लवी। मुझे बहुत गुस्सा आया बट लवी पर मैंने कुछ कहा नहीं उसे, कोई बात नहीं न्यू फाइल ले आएंगे हम, क्योंकि गाइस यार वो तो बच्ची है, बेचारी बच्ची से कहोगे रोएगी और, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, नई फाइल ले आएंगे। मम्मी जी ने कहा मैं तुझे पैसे दे दूंगी, उससे कुछ मत कर न्यू फाइल के लिए। तो चलो अभी फिलहाल अपना वर्क कंटिन्यू करते हैं। डेकोरेशन का तो गाइस मैं नहीं बना पाऊंगा बट क्योंकि डेकोरेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो उसके बाद जो रिटर्न वर्क करेंगे उसके बाद उसका बनाएंगे व्लॉग, क्योंकि डेकोरेशन मुझे करनी है इस मोबाइल में से, सिर्फ और सिर्फ इस मोबाइल में से, क्योंकि मम्मी जी का मोबाइल हो गया ख़राब। तो चलो अभी डेकोरेशन करते हैं, फिर जो लिखेंगे वो तो मैं अपनी पुरानी फाइल में से लिखूंगा। उस फाइल में मुझे मार्क्स थोड़े से कम मिले हैं, मतलब 5 में से 4.5 मिले हैं, तो मैम ने कहा कि कोई और कोई बात नहीं, तो मैं इससे चेक नहीं करती हूँ, दूसरी इससे अच्छी बना लेना फिर चेक हो जाएगी। तो चलो भाई अभी डेकोरेशन करते हैं फिर लिखेंगे। तो वैसे अभी वीडियो के अनुसार जो यूट्यूब पर वीडियो थी ना उसके अनुसार कुछ ऐसा बना है। अब इसमें जो साइड का है ना इसमें क्रेयॉन्स कलर फिल हो जाएंगे इन डॉट्स को छोड़कर, इसमें कुछ और कलर होगा, और इसमें तो बिल्कुल लाइट 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 साइड से शेड दी जाएगी जिससे कि इसमें अंदर कुछ अलग ही लुक आए भाई मस्त सी। तो चलो भाई अब थोड़ा सा और करते फिर दिखाएंगे, मतलब पूरा बनाते का नहीं दिखा पा रहा, तो मैं टुकड़ों में दिखा रहा हूं। मतलब मैंने एक स्टेप करा था अब वो दिखा दिया, अब इसके बाद आपको अब इस वाले स्टेप का दिखाऊंगा, शायद से या तो इधर कलर करूंगा या फिर इधर कलर करूंगा। तो चलो करते हैं फिलहाल। तो गाइस मैं तो सोच रहा था कि आज फाइल कंप्लीट कर दूंगा पूरी, बट यही पेज बनने में ही अभी तो ये पेज पूरा भी नहीं बना और आधा घंटा होने आया भाई, इतनी ज़्यादा मेहनत। मैंने तो भाई का आज तक किसी भी सिंगल पेज में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करी, मतलब एक पेज में आधा घंटा, लिटरली अभी तो काफ़ी रह गया है, लगभग आधा ही घंटा और लगेगा एक घंटे में एक पेज। तो भाई इतनी मेहनत तो मैंने कभी एक पेज सिंगल पेज में नहीं करी। उसके बाद इंडेक्स है, फिर 11 पेज की फाइल है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज है हमारे गांव में शादी, तो मैं तो भाई जाऊंगा नहीं, मुझे ज़्यादा शादी वादी में जाना पसंद नहीं है, तो ये लोग सब लोग जाएंगे और मैं बाबा जी घर पर रहेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं और बाबा जी जब घर पर रहेंगे तब कर लूँगा, बट अभी ये वाला पेज तो रेडी करूँगा ही करूँगा, क्योंकि अभी भाई 5:30 भी बज रहे हैं और अभी बस एक स्टेप दो स्टेप्स और रह गए हैं करने के। एक तो अंदर राइटिंग है और एक कलरिंग है, एक तरफ की कलरिंग तो कर दी, दूसरी तरफ की रह गई बस। तो गाइस देखो ये ग्रीन कलर्स तो कर दिए हैं और ये देखो ये शाइन मार रहा है भाई, और बस ये इधर की कलरिंग रह गई है इस पार्ट की और इस पार्ट की, और अंदर राइटिंग के लिए मुझे एक मार्कर लाना पड़ेगा। मेरा हाइलाइटर हो गया ख़त्म, तो ब्लैक वाला हाइलाइटर आएगा, वैसे हाइलाइटर नहीं उसे कुछ और ही बोलते हैं, बट मैं तो हाइलाइटर बोलता हूँ बिकॉज क्योंकि उसकी टिप होती है हाइलाइटर टाइप। तो पहले पर चलो इनमें कलर कर देते हैं भाई, इसमें या तो येल्लो करूँगा या फिर ऑरेंज करेंगे। ओके गाइस डन, तो अभी अपना इतना तो बन गया, अब बस इसमें अंदर राइटिंग का रह गया, वो मार्कर लाकर होगी। तो चलो अभी फिलहाल इसे करते हैं यहीं पर बंद और पूछते हैं मार्कर लेने चलते हैं, मम्मी जी से पूछते हैं, और मार्कर के अलावा कुछ और काम होगा तो वो भी करने चलेंगे। तो चलो अभी चलते हैं मार्कर लेने। तो चलो गाइस यार अब चाय की हड़क लग रही है एक तो, मतलब ये ऐसे अजीब सा लगने लग जाता है जब शाम के बजते हैं 5:30-6 कि भाई अब चाय तो होनी चाहिए, चाय मज़ा आ जाएगा अगर चाय हो जाए तो। तो चलो भाई अभी चाय बन रही होगी तो गर्म करेंगे, वरना फिर बनाएंगे फिर पीते हैं चाय, और मम्मी जी अम्मा जी को भी पिला देंगे, वो दोनों तो गए ट्यूशन टीचर अभी तो। बैड लग गाइस, तो गाइस चाय तो है नहीं बट दूध ये रखा है और फ्राइदन ये रहा, फिर किस बात की देर है भाई, फटाफट से बना देते हैं चाय। ओ भाई साहब, तो ये छड़ाया हमने पानी, ये जलाई हमने गैस,
तो चलो पानी गर्म होने देते हैं। तो अभी पानी तो गर्म होने लग गया, अब हम डालेंगे इसमें अपनी चीनी। ये गई चीनी, तो चीनी डलते इसमें बॉइलनेस आनी चालू हो गई। अब डलेगी इसमें अपनी चाय पत्ती थोड़ी देर बाद, मतलब एक मिनट लगभग खदकेगी फिर डलेगी चाय पत्ती। तो चलो अब इसमें बिना किसी देरी के पत्ती डाल देते चाय पत्ती, अब बॉयल होने देते फिर डलेगा दूध। चाय बंद तो गई है, अब चलो गैस बंद करते हैं, अब इसे छानते हैं। तो चलो ये चाय देकर आते हैं मम्मी जी और अम्मा जी को। तो गैस अभी अपनी चाय तो बन गई और अभी फिलहाल चाय भी लेकर आ गए अंदर, अब चलो चाय के मज़े लेते हैं फटाफट से और मम्मी जी को भी उठा देते हैं, मैं और मम्मी जी साथ में चाय पियेंगे। तो गैस अभी चाय वगैरह पी कर तो फ्री हैं और बाकी अभी दिन के बज रहे हैं 6:30 और पापा जी से भी मेरी बात थी, पापा जी आएंगे 7:30 तक और 7:30 तक वो हम लोग जाएंगे शादी में। तो गैस मैं तो जा नहीं रहा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो मार्कर वगैरह का जो काम है वो मैं मार्कर लाकर रख दूँगा, रात को ही बैठ कर करेंगे आराम से। और हाँ, कल की मैं स्कूल की छुट्टी कर रहा हूँ, बिकॉज कोई वर्क नहीं करवा रहे हैं स्कूल में, इसलिए मैं कल की छुट्टी करूँगा। कल अपनी ये फाइल्स वगैरह कंप्लीट करेंगे, फिर मंडे या ट्यूसडे को हमारी एक ट्रिप का प्लान है, वो भी अभी फाइनल नहीं है। तो अभी फिलहाल देखो पीछे मेरा पेंसिल बॉक्स वगैरह पड़े हुए हैं और वर्क मैं करूँगा जब ये लोग चले जाएंगे तब। बिकॉज गाइस साइलेंट में, साइलेंटली जो वर्क करने का मजा है ना, वो हल्ले उल्ले में नहीं है। जब साइलेंट होगा ना पूरा, मैं कमरे के दोनों डोर लगाकर एकदम मस्त यहाँ पर साइलेंटली बैठकर पढ़ूंगा एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो अच्छा मन लगता है पढ़ाई में। और बाकी आज टीचर वगैरह भी पता नहीं कैसे इतना लेट हो गए, 6:30 बज रहे हैं अब तक नहीं आए। चलो अभी मैं इस ब्लॉग को करता हूँ एंड, आई होप आप सब लोग को ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग,